हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन जस्ट 6 रोज का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 6 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 1 प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 6 प्लस 1 प्लस 2। इसमें मैंने 6 मल्टीपल करके 18 प्लस 1 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 21 कर लिया है। फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदों में 3 बार यह नंबर करना है, 1 2 3। अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब एक फंदों में 3 बार यह नंबर करना है, फिर से 1 2 3। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ए रिपीट करना है बार बार। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदे में 3 बार यहाँ पर करना है, 1 2 3। अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3। एक फंदा में 3 बार यहाँ पर करना है, 1 2 3। दो डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा में 3 बार यहाँ पर करना है, 1 2 3। अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब एक फंदों में 3 बार यहाँ पर करना है, 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक 3 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में 2 फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ है। एक फंदा सीधा बुनिए, धागा आगे, स्लिप अनबर किया हुआ फंदा स्लिप करना है। अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। इस फंदे को भी स्लिप करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ए रिपीट करना है बार बार। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एंडवर किया फंदा स्लिप करना है। अब 3 फंदा सी उल्टा, 1 2 3, ये फंदा स्लिप करना है। 2 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। यहाँ तक 2 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ये फंदा को स्लिप कीजिए। अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, इसको भी स्लिप कीजिए। यहाँ से यहाँ तक 3 डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा। 2 फंदा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। धागा पीछे, एक फंदा सीधा,
धागा आगे एक फंदा उल्टा। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो, थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप कीजिए। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, इस फंदे को भी स्लिप कीजिए। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको यही रिपीट करना है बार बार। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप कीजिए। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप कीजिए। दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप कीजिए, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप कीजिए। यहाँ से यहाँ तक तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में दो फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो, फोर रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप कीजिए, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप कीजिए। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप कीजिए, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप कीजिए। दो डिजाइन ख़त्म हुआ है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा स्लिप कीजिए, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, एक फंदा स्लिप कीजिए। यहाँ से यहाँ तक तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको यही रिपीट करना है बार बार। लास्ट में दो फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, स्लिप किया फंदा को, ऐसे छोड़ देना है। अब ये तीन फंदा राइट निडल में उतरना है, एक दो तीन, स्लिप किया फंदा को भी छोड़ देना है। अब ये फंदा को लेफ्ट निडल में लेना है। अब ये तीन फंदा को भी लेफ्ट निडल में उतारना है, एक दो तीन। अब इस फंदा को भी लेफ्ट निडल में उतारना है ऐसे। अब एक दो तीन चार ये पाँच फंदा सीधा बुनना है। एक दो तीन चार पाँच, ऐसा डिजाइन बन गया। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, स्लिप किया फंदा को ऐसे छोड़ देना है। अब ये तीन फंदा को राइट निडल में उतारना है, एक
दो तीन। अब इस फंदे को भी छोड़ देना है। अब ये फंदे को लेफ्ट मिरर में लेना है। अब ये तीन फंदा लेफ्ट मिरर में उतारना है, एक दो तीन। अब इस फंदे को भी लेफ्ट मिरर में डालना है। अब ये पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। दो डिजाइन खत्म हुआ है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। स्लिप किया फंदा को ऐसे उतार देना है। अब ये तीन फंदा को राइट मिरर पे उतारना है, एक दो तीन। अब इस फंदा को भी छोड़ देना है। और ये लेफ्ट मिरर से ये फंदा को लेना है। अब ये तीन फंदा लेफ्ट मिरर में डालना है, एक दो एक तीन। अब इस फंदे को भी लेफ्ट मिरर में उतारना है। अब ये पांच फंदा भी सीधा बुनना है, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ से यहाँ तक तीन डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में दो फंदा बचेगा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हुआ है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा। यही रिपीट करना है आपको। दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको यही रिपीट करना है बार बार। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ तक तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में दो फंदा बचेगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। सिक्स रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिज़ाइन जस्ट सिक्स रोज का है। सिक्स रोज में ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा। आपको ये रिपीट करना है बार बार। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा बन के आएगा। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।